बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। नाज़रीन, मेरे घर के खाने में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज चूँकि मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो आइसक्रीम बनाई जाए। तो चलिए हम मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें दरकार होती हैं और बहुत ही मज़ेदार सी घर में ज़बरदस्त किस्म वाली मैंगो आइसक्रीम तैयार हो जाती है। क्यों बाज़ार में जाएं, इतनी महंगी आइसक्रीम ख़रीदें और खाएं, घर में बनाएं, शौक से खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। चलिए तो मैंगो आइसक्रीम के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मुझे विप क्रीम चाहिए। ये विपिंग क्रीम है, मैंने 1 लीटर ली है। आप मुझे ज़्यादा बनानी है, बच्चे शौक से खाते हैं तो मेरी तो बहुत ज़्यादा बनती है। तो चलिए विपिंग क्रीम मुझे 1 लीटर चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन 400 ग्राम लिया है कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क अगर आप ना यूज़ करना चाहें तो आप आइसिंग शुगर या चीनी पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, कंडेंस्ड मिल्क से ज़ायका और ज़्यादा बेहतर और अच्छा आता है। 1 कप मुझे दूध चाहिए। इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा जर्दे का रंग, क्योंकि मैं एसेंस वगैरह ज़रा फूड कलर से थोड़ा सा डरती हूँ, दूर भागती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों एसेंस वगैरह लेकर आऊँ, बस दूध में जर्दे का रंग मिलाएंगे, अच्छा मज़ेदार सा पीला रंग पाएंगे। और 1 किलो आम, 1 से 2 किलो, ये तकरीबन मेरे 2 किलो आम हैं। तो मैंने आम ले लिए हैं, अच्छे बड़े वाले सिंघड़ी आम लिए हैं। आम जो भी लें अच्छा लें, मीठा लें, जो अच्छा वाला आम हो, जितना अच्छा आम होगा उतनी अच्छी मज़े की हमारी मैंगो आइसक्रीम बनेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्रीम को थोड़ा सा विप करना है, बहुत ज़्यादा इसे विप नहीं करना, हल्का फुल्का सा 2-3 मिनट का विप करेंगे और फिर कंडेंस मिल्क और मैंगो प्यूरी और ये सब चीज़ें शामिल करेंगे। विपिंग क्रीम को विप करूँगी, आम छील के इनका पल्प बनाऊँगी, फिर आपसे मिली। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 किलो आम लिए थे, सिंधड़ी आम मैंने यूज़ किए हैं, उनका मैंने प्योरी बना लिया है, उनको काटा और काट के इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ये देखें कितनी शानदार सी प्योरी हमारे पास आ गई है। 1 आम मैंने बचा लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक चंक्स की सूरत में काट लिया है, क्योंकि इसको मैं आइसक्रीम में शामिल करूँगी। अब एक बाउल लेते हैं, बाउल के अंदर मैं जो 1 लीटर विपिंग क्रीम मैंने ली थी वो डालूँगी। विपिंग क्रीम शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगी। आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ की विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, बस असल मकसद इसको विप करना है। तो हमने तकरीबन 2 मिनट क्रीम को विप किया है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बहुत हार्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसे स्टिफ नहीं करना है, मीडियम बीट हो जाए ये। तो फिर इसमें अब मैं शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क, जो मैंने तकरीबन 450-450 ग्राम निकाल के रखा था। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब इसको कंडेंस मिल्क शामिल करके बीट करूँगी। तो कंडेंस मिल्क शामिल करके बीट करना है, कंडेंस मिल्क शामिल करके भी बस हमें इसे तकरीबन 1 मिनट बीट करना है, फिर इसमें हम मैंगो प्यूरी शामिल करके बीट करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क डाल के बीट हो चुकी है। अब इसमें मैं मैंगो प्यूरी जो मैंने बनाई थी वो शामिल कर दूँगी और फिर इसको 2 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी, बीट करूँगी। सॉरी, आम अच्छे वाले लेने हैं, जितने अच्छे आम होंगे उतनी ही मज़ेदार आइसक्रीम बनेगी। तो पल्प डाल के मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब ये जो 1 कप दूध निकाल के हमने रखा था उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी और उसको मैं दूध में मिक्स कर लूँगी। जर्दे का रंग डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारी आइसक्रीम है उसमें कलर बहुत शानदार सा आ जाए। तो बस इसको हम शामिल करते हैं आइसक्रीम में। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। हमारी आइसक्रीम माशाल्लाह कितने अच्छे से बीट हो गई है। अब इसमें जो मैंने चंक्स काट के रखे थे 1 आम के, वो शामिल कर दूंगी। याद रहे चंक्स शामिल करने के बाद हमें बीट नहीं करना है, बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि जब हम आइसक्रीम खाएँ तो ज़रा मज़ेदार से चंक्स हमें मुँह में फील हो। ये समझ लें आपकी 2 किलो आम और 1 किलो विपिंग क्रीम में तकरीबन 5 लीटर आइसक्रीम जम जाएगी। भरपूर खाएं और हर आने वाले मेहमान को भी खिलाएं। चलिए तो अब इनको मैं कंटेनर्स में डालती हूँ। कंटेनर्स में डालने के बाद इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज करूँगी। चलिए कंटेनर ला। तो बस अपनी आइसक्रीम को हम कंटेनर में डालते हैं
और फिर इसको फ्रीज करने रखेंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से जम जाए। और फिर इसकी स्कूपिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला 8 से 10 घंटे के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, मैंने आइसक्रीम को ओवरनाइट रख दिया था फ्रीज़र में, अब निकालती हूँ। उम्मीद है जम चुकी होगी अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल जा सिमसिम जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ही हमारी आइसक्रीम की शक्ल आई है। चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं। वाओ ज़बरदस्त, इसकी स्लाइसिंग करते हैं। आप चाहें तो स्कूपिंग करें, स्कूप के साथ निकाल दें आइसक्रीम स्कूप्स में, या कटिंग करके स्लाइस बना लें। ज़बरदस्त जम गई है माशाल्लाह, क्रीमी सा टेक्सचर है। और आप देख सकते हैं मैंगो पीसेस कितने अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर आते हुए। चलिए बस मैं इसकी कटिंग करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मज़ीद आपको अच्छी अच्छी सी झटपट सी वीडियोज़ फौरी तौर पर देखने को मिल जाए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।